साहिब जी सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम कोट पराद परे ही तेरे चेरे राम कोट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरदुर खाव तुमरी शरण तुम्हारी आस तुम ही सजन सुहिले राखो राखन हार दयाला नानक करके गुले राखो राखन हार दयाला नानक करके गुले। सन्मान सत्कारियो गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु जी का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी उड़भागी हो साहिब नसीब हो उत्तम कर्मा वाले हो बड़े अदब प्यार सत्कार भावना नाल अमृत वेले तो साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गरीब नवाज जीयां दे महान बख्शिशां मेहरामतां भरे पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जीयां दी सुखदाई हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठ के अथवा दूर दराडे देशां विदेशां विच बैठे हुए भी टेलीविजन इंटरनेट दे माध्यम राही सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के गुरु बख्शिश गुरु मेहर दी प्राप्ति लई जतनशील हो साहिबां दी इलाही दरगाही पवित्र पावन गुरबाणी दी लड़ीवार चल रही कथा विचार अज दा पावन पवित्र शब्द बड़े सत्कार सहित बड़ी मिठी आवाज और बड़े सुंदर अंदाज विच सत्कार योग भाई साहब भाई सरवण सिंह जी पावन स्थान दे सत्कार योग ग्रंथी साहिब तिना पासो सरवण कीता पावन शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला आप संगतां दी असीस प्राप्त होवे प्यार सहित गुरु बख्शिश कीती गुरु फतेह परवानू जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी राग अंदर भगत कबीर साहब जीयां दे पावन मुखार बिंद तो उच्चारण हुए महिमा मई ई फुरमान धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जीयां दे अंग 323 तो 324 तक सुशोभित हैं।
गौड़ी कबीर जी, गौड़ी राग है ते पावन शब्द कबीर जी दी मुबारक रसना तो उच्चारण होया। पहलियां शब्दियां आरंभता दियां पंक्तियां रहाओ दियां पंक्तियां ने और शब्द दे सारे भाव सारियां पंक्तियां विच अपने आप नूं वाहिगुरु परमेश्वर दे ओतपोत उहदे नज़दीक उहदे नेड़े उहनूं चेते रखण वाला उहनूं जपण वाला उहदे नाल जुड़िया होइआ किवें महसूस करदा है ये बख्शिश कृपा कीती है। तुरंभता है माधो जल की प्यास ना जाए, जल की प्यास हुण जेकर उदाहरण है बाहरों जल दा ते गल कीती है रब दे नाम दी, परमेश्वर परमात्मा दे नाम जपदिया नाम जपण नाल जो जपण दी लालसा है, जो जपण दी इच्छा है, जो जपण दी प्यास है वो मिटदी नहीं। जे बाहरों आपां नूं तन दे तल ते तन करके भुख लगी होवे भोजन छक लो थोड़े समय बाद तुहानूं कहना पैंदा भी हुण भुख नहीं रही मैं रज गया। जिन्नी मर्जी तेह लगी होवे प्यास लगी होवे पानी पी लो, पानी पी के वो प्यास मिट जांदी है। थोड़े समय बाद कहना पएगा कि पहला सी प्यास हुण पानी पी लिया हुण तरे नहीं प्यास नहीं रही। परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपण दे जिन्हां नूं भुख लगी है जिन्हां नूं प्यास लगी है उन्हां दे जीवन विच भोजन ते पानी तो बिल्कुल विपरीत बिल्कुल उल्टा वापरदा है। भोजन करन दे नाल भुख मिट जांदी है, पानी पीण नाल प्यास मिट जांदी है, पर भगती करन वालियां दी बंदगी करन वालियां दी नाम जपण दी भुख नाम जप जप के कदी भी नहीं मिटदी। नाम जपण वाला प्यारा नाम जप के कदी नहीं कह सकदा भुख लगी सी, नाम जप लिया ते हुण भुख नहीं रही, हुण मैं परमेश्वर दा नाम जप के जपण वाली भुख मिटा ली है, ये भुख कदी नहीं मिटदी। नाम जपण दी प्यास, प्यास ते भुख दोनों दा मकसद इको है, भुख भोजन दी लोड़ और उस लोड़ ली उस प्राप्ति ली उठिया होया अंदर ख्याल उन्हूं भुख कहने। तन दी अहम लोड़ है पानी, पानी दी लोड़ लोड़ दी प्राप्ति ली बनिया ख्याल इन्हूं प्यास कहने। भुख भी ते प्यास भी दोनों बाहरों इस तन दी लोड़ है और उहदी प्राप्ति ली जो अंदर ख्याल उठदा है उहदे लई मनुख भोजन ते पानी लई जतन करदा। भोजन कीता भुख मिट गई, पानी पीता प्यास मिट गई, पर वाहिगुरु दे सिमरन नाल इहदे उल्ट हुंदा है। बाहरों कदी भी नहीं हो सकदा कि बंदे ने भोजन कीता ते भुख वध गई, पानी पीता ते प्यास वध गई, बल्कि मिटदी है। भजन करन वालियां दी भजन करके प्यास वधदी है। भाई साहब भाई वीर सिंह साहब जी ने एक बड़ा सुंदर इस प्रथा एक ख्याल दिता, जो आप गुरु घर जाने बाणी पढ़ते हैं गुरु दर सेवा करते हैं तो सानू किवें पता लगे कि इहदा साडी सुरत विच साडे मन विच असर हो रहा है और गुरु दी साडे ते मेहर हो रही है बख्शिश हो रही है
ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਜੀ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਪਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਤੀਬਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋ ਭਯੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ ਮੰਤ ਨ ਮਨ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਬਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 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 ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੜੀ ਪਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ 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 ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦਹਾਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ? ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, 1 ਦਿਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਜੇ 6 ਦਿਨ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੂਝ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਪਿਓ ਆਖਣ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਛਕਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਐਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
वो अपने नेम नू प्यार नाल सिरन नाल सिदक नाल लंबाउंदे ने। फरीदा गलीए चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो, चला ता भिजे कंबली रहा ता टुटे ने हो। भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेहो, जाए मिला तिना सजना टुटे ना ही ने हो। वाते बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए प्यार ना टुटे नेह ना टुटे, तो प्रीत वध दी है। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी ले जी सटै। जेड़ी बाहरों कोई प्रीत है ना, वो थोड़े समय बाद घटना शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज दी तुहानू कोई लीड़ा कपड़ा बहुत चंगा लगता, रोज रोज ओही पाई जाओ तुहाडा मन अक जाएगा। तुहानू कोई पकवान, कोई पदार्थ, कोई मिठाई, कोई भी शय खाण वाली बड़ी तुहाडी पसंद है, बड़ी रीझ ना शौक ना खाने है, रोज रोज खाओ तुहाडा मन अक जाएगा, मन भर जाएगा, मुड़के उधर मूँह नहीं करोगे। तुहाडा कोई बहुत मित्र है नेड़े आला, मिलके बड़ी खुशी हुंदी है, रोज़ रोज़ मिलो, रोज़ मिलो, गल्लां बातां करो। आपां उहदे घर गए, अपने घर आए, थोड़े दिनों बाद की होगा, प्रीत घट जाएगी। प्रीत घटे ने तो मीत के जाए, प्रीत घट जाएगी, खिच घट जाएगी। वार 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 उही भोजन खाण दे नाल प्रीत घट जाएगी, वह भोजन स्वादी नहीं लगेगा। घर च वेने ना कि हफ्ते च दूसरी बार कोई दाल सब्जी बन जाए तो सारा घर सिर ते चुक लैने कि भी यार रोज आई दाल आई, मथे मारदे आ क्यों, अजे परसों खाधी, अजे चौथे खाधी। परमेश्वर परमात्मा का नाम जपदिया कदी इस मसला जाए ख्याल नहीं आता कि ये नाल मनुख अक जाए, जाएगा रस, जाएगा स्वाद फिका पै जाए। पंथ रतन सचखंड वासी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, वो एक अपने नाल जुड़ी घटना दसते ने, शायद इंदौर के इलाके की। उन्होंने नाल वहीर विच सिंह रहिंदे सी, कथावाचक, प्रचारक, रागी सिंह, कवि, बड़े बड़े आरफ फाजल कवि, विद्वान, कथावाचक और बड़े बड़े सुलझे महान कीर्तनी उन्होंने जथे च वहीर च रेंदे। बहुता लंबा समा वहीर च ही जाते रहे। तो एक बारी प्रबंधक ने कहा कि ज्ञानी जी साड़ी एक बेनती है कि ये उही प्रचारक उही जथे तो हर वार नाल लेके आने। तो मस्कीन साहब कहते फिर की प्रबंध हो, भी हर वारी जथे नवे होने ना, जिते जिते समागम होंगे कीर्तन दरबार, पिछली बारी आ जथे सी, एरका दूजे करिए तीजे करिए, प्रचारक बदलीए करते हैं ना, हर एक जगह इदा हों। उन्होंने भी किया तो मस्कीन साहब कहते भी इन्होंने ये फर्क की पेगा, जे ये जथे कीर्तनीय होर होणगे तो इतना फर्क की पेगा। जेडे मर्जी कीर्तनीय नूं बुला लो, जदों आसा की वार करेगा तो यही पढ़ेगा, जो आरती पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा, आनंद साहब पढ़ेगा तो यही पाठ होएगा, बाणी च तो फर्क नहीं। हुण तुसीं आखो भी कल आसा की वार सुनी, अज फिर उही, कल फिर उही, परसों फिर उही, कल जपजी साहब जिहड़ा कीता अज फिर उही। शरीर नाल ना जुड़ो, शब्द नाल जुड़ो। शरीर वेख के तुसीं चेहरा मोहरा वार वार वेख के अक जाने हो, पक जाने हो, थक भी जाने हो, पर जे शब्द नाल जुड़ोगे तो तुहानूं रस आएगा, जिहदे चो कदी वी अकोगे थकोगे नहीं। शब्द नाल जुड़ोगे, कदी किहा किसी ने कि किन्ने साल हो गए उम्र लंघ गई जपजी साहब पढ़दे आ तो कुछ नवा चाहिए, नहीं ना, सारी उम्र जपजी साहब पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ, हर रोज एक दिन च कई कई बार पढ़ी जाओ, तो जिन्नी बार पढ़ोगे ना उन्नी बार उहदा रस होर वखरा ते वधेरा होगा।
चलो जपजी साहब तो फिर भी लंबी बाणी है, तुम मूल मंत्र पढ़ लो। चलो ये भी आखा कि लंबा, तु वाहगुरु कह लो चार अखर ने ना, तो जदों तो आप सुरत सामीए वाहगुरु कह रहे हैं सुन रहे हैं, तो कभी होया इस तरह भी वाहगुरु सुन के रस ना आया हो, वाहगुरु कह के रस ना आया हो। जदों भी तुसी गुरु गुरु करोगे रस आएगा, पहला नालों होर वधेरे आएगा। तो परमेश्वर दे नाम जपण दी लालसा नाम जप के घटदी नहीं बल्कि होर वधदी है। माधो जल की प्यास ना जाए, हे मेरे परमेश्वर सारी कायनात दे रचना दे मालिक साहिब जी, तेरा नाम रूप अमृत जल पीण दी प्यास अंदर दी इच्छा ना जाए, वो मेरे अंदरों जांदी नहीं। जल मैं अगन उठी अधकाए, हुण पानी ते अग दा मेल कोई नहीं। अग लगी होवे पानी पा दिओ ते अग बुझ जाएगी। विरोधी तेरे दोनों सजाती नहीं है, विजाती मेल है। अग ते पानी पा दिओ अग बुझ जाएगी। मेरे अंदरे ते अग तो भाव है लालसा इच्छा तांग तेरा नाम जपण दी। ते जदों मैं तेरा नाम जपदा ते नाम की है, नाम है अमृत जल। मेरी तांग रूप मेरी इच्छा रूप अंदर दी अग्नि ते जदों ये नाम रूप जल पैंदा है ना, ते मेरी वो इच्छा मेरी वो तांग घटदी नहीं, मिटदी नहीं, बुझदी नहीं, बल्कि अगन उठी अधकाए वो पहला नालों होर ज्यादा वधदी है। वैसे अभी आपां नूं बहुत ही समझ नहीं आई इस बारे, आपां होर मंगना शुरू किया। आपां जो कुछ मंगते हैं ना, आपां मंगना गुरु कोलों नहीं सीखिया, जिहदे कोल आके मंगते हैं ना उहदे कोलों ही सीखना है, उहदे कोलों ही सीखना। छोटे बच्चे नूं जिवें आपां स्कूल च भेज दिंदे आ ना, ते ओह क्लास च जांदा है, उहने बहिणा किवें, उठणा किवें आ, क्लास च वड़ना किवें आ, बाहर किवें आउणा, टीचर नाल गल किवें करनी है, इह टीचर ही सिखाऊ, उहनूं टीचर ही सिखाऊ। मैनूं इक होर गल याद आ गई, जदों आ नोटबंदी होई ना, ते उचन चेत सारा काम हो गया, नोट बंद हो गए, तो उन्होंने थोड़ा जिहा रखिया सी भी बैंक च जाके जमा करा दो इन्ने क। तो मैं कुछ दिन समागम दे रझेवियां च सा, तो मैं वेला हो के मैं कहा भी आप इन्हें तो चलने नहीं, क्योंकि फिर उस तो बाद संगत ने भी बड़ी माया दीती, जो नोट बंद हो गए ना, तो वह फिर जिहड़ा 100 दिंदा ही ना अरदास, वो 500, 1100, 1000 ते आखना थोड़े नहीं चलते, तो साढ़े कितों चलनगे, साढ़े लिए कोई बैंक वक्री है, साढ़ा कोई वक्रा, कई इदा ही करते हैं, जोड़ा नोट कितने ना चले ना गोलक चो पा जाएंगे, जो थोड़ा नहीं कितने चलिया तो गोलक चो चल जाएगा, जे तो गोलक चो पाया नवा हो जाएगा। एक कैसी सोच है, जो गोलक खुलती है ना किसी भी गुरु घर, नहीं कला अपने किसी भी, तो उत्थे वेख्यो किन्नी माया, तो गले सड़े नोटा की निकलती, तो जिहड़ी किते ना चले उहनूं चेपी ला के वो इत्थे पा दिओ, कथा च पा दिओ, कीर्तन च पा दिओ, इदां भी हुंदा। तो चलो उदों मैं बैंक गया, तो बैंक चो कहण लगे जी इहदे ते ना मैनेजर साहब बैठी है बीबी, उहदे तों लिखा के लिआओ परची, तो कैशी रहिंदा मैं फिर जमा करांगा। मैं बीबी कोल गया, उह कहिंदी भी तुसीं इह दस्सो तुहाडे कोल माया आई कित्थों, सी भी थोड़ी कोई 30-40 हज़ार ही। मैं क्या भी साढ़े को कितों होनी, जिदा सारे को आँदी साढ़े को भी उदा ही, साढ़े को कितों होनी। और वो कहते नहीं इतने रीजन लिखो। मैं की लिखा उन्होंने, मैं 10 गल्लां दसदियां, आ लिखा वो आखे ना ये भी नहीं चलना, ये भी नहीं चलना। मैं चुप करके बह गया। मैंने कहती तु कुछ लिख के दो, जो कुछ तुम कह रहे हो ये लिख के दोगे तो मैं रिजैक्ट कर देंगी।
मैं चुप करके ना साइड ते बह गया, होर कई सी मेरे अर्गे। मैनू आंदी तुही दसो, मैं तू इन्हां नूं निपटा ला फिर दस दें तेनू। उन्हां नूं निपटा के कहिंदी हुण दसो, मैं परची उहदे अगे रखती। मैं भैण मेरी बेनती है, जिस तरीके नाल जिहड़ा लिखिआ इत्थे पास होणा ना, वह कृपा करके तू ही लिख दे जां तू दस भी की लिखा। वसण लग पई, कहिंदी मैं क्यों दसा। तो मैं क्या भी तू बैंक वाली, तू नहीं दसेंगी तो होर कौन दसेगा। तो मैं हौली जी आँदी भी इतने लिख दौ परसनल सेविंग। मैं क्या ठीक है, वो लिखी तो काम हो गया। हुण उहनू छड्ड के मैं बाहर 100 बंदे नू पुछ लैंदा तो किसी ने ठीक नहीं दसना। उहनू पुछिआ, उहने ठीक दसिआ, काम हो गया। जिथे काम हुंदा है आपां उत्थों पुछीए भी इह काम किदां होएगा। बच्चा हुण उह टीचर कोल पुछे भी मैं बहना किवें, उठना किवें, बोलना किवें, तो ठीक है। उन्हों क्लास में उन्हें करना की है, पूछे कि दूसरे तो ताए नूं पूछे भी ताया तू दस किदा करना है, दादी तू दस भी क्लास किवें बहना। तो दादी थोड़ी दसेगी, दादा थोड़ी दसेगा, टीचर दसेगा। आप गुरु को मंगना ही तो गुरु को पुछना सी भी सतगुरु तुही दसो, तुही दसो भी की मंगी है। क्योंकि जो कुछ आप मंगते हैं ये गुरु को नहीं सीखिया, ये तुहानू याद आ जाएगा किहदे कोलों सीखिया। जदों छोटे छोटे हुंदे आ मां प्यो नाल शुरू होए, स्कूल जाना शुरू होए, तो तू अरदास करके जा, तेरा पेपर है मत्था टेक के जा, तेरा आ टेस्ट है देख करा के जा, इतों ही शुरू होए ना। वो मंगना जी मैं पेपर च पास हो जा, इहदा एडमिशन हो जाए, इहदा आ हो जाए, इतों काम शुरू होया। वो ऐसा काम शुरू होया अज तक कितों शुरू होए, कितने पहुँच गए, अपने वास्ते शुरू होए, अगे पोतरे दोतरिया तक पहुँच गया, जे भी नहीं रुके वध ही जा रहा काम, तो जिधर आना सी उधर अजे तक नहीं आए। इत्थे आपां ये मंगिया भी महाराज पैसा दे मैं राज जा, घर दे मैं राज जा, घर छोटा वड्डा दे, पैसा थोड़ा ज़्यादा दे, नौकरी छोटी है वड्डी होवे, दुकान छोटी है वड्डी होवे, एक दो हुण आई मंगिया ना भी मैं राज जा। इत्थे राज ते मंगना ही नहीं सी, मालक कोल आके मंगनी सी भुख। तुसी बड़े स्याणे सूझवान, गुरबाणी बड़ी सौखी है। ये आप है भी जे नूं इहदी समझ ना ना आवे ते नूं जिन्ना मर्जी गुंझलदार बना लो, गल गुंझलदार नहीं है। बाबे ने बड़ी सौखी गल आखी, कोई बंदा बीमार होवे डॉक्टर कोल जावे ते डॉक्टर पहली गल उहनूं की पुछदा, वह अपना दसदा जी मैनूं आ हुंदा आ हुंदा। डॉक्टर नूं पुछदा भुख बारे, भुख दी दस पुछदा है ना, भुख किदा, भुख किन्नी लगती है दिन च, किस वेले प्रशादा छकते हो, किन्ना छकते हो, पुछदे ना। ते जे आखे जी भुख नहीं लगती, जबरदस्ती है धक्के ना कोई रोटी बुरकी खावा, नहीं तो भुख नहीं लगती, तो फिर यह मतलब कि जिन्हों भुख नहीं लगती उहदा शरीर रोगी है, रोगी है ना। जिन्हों भुख नहीं लगती वो रोगी है। तो जेड़ा जे जेदा रब का नाम जपन नूं जी नहीं करता, जिन्हों नाम की भुख नहीं लगती, अमृत वेले की नहीं लगती, अमृत छकण की नहीं लगती, गुरुद्वारे आउण की नहीं लगती, सेवा करन की भुख नहीं लगती, ये तो भुख लगती है भी लंगर बड़ा स्वाद हुंदा है तो लंगर छकीए, तो लंगर तो बाद अगली भुख नहीं लगती भी 10 मिनट खलो के भांडे भी मांज लीए। सगो लंगर छकद छकद यह ख्याल हों मेरी भी थाली नाल चुक के लै जाए तो भला हो, उदो तो नहीं भुख लगती भी भांडे मांज लीए। तो जे नहीं ना लगती यदा मतलब मन करके रोगी है। ये अपने घर परिवार च वेख्यो, टब्बर के बहुते जी अपने रोगी होणगे, बीमार होणगे। हुण न्याणे नूं दो दिन भुख ना लगे तो मां तड़फ उठती है, आए मेरा पुत खांदा ही कुछ नहीं। तो माँ ने इस गलों तो कदी नहीं आख्या भी 20 साल हो गया जे तक जपजी साहब ही नहीं पढ़ता, आख्या कदी माँ ने, व्याहुण जोगा हो गया इनू रहरासी नहीं आती, आख्या कदी आती है साढ़े न्याणियों, आता जपजी साहब साढ़े न्याणियों। गल्लां जिन्नियां मर्जी सुन लो, जहान दियां गल्लां सुन लो, सलावां सुन लो, तो जे नहीं ना पढ़ते नहीं आता तो यह मतलब इन्हां नूं भुख नहीं लगी। तो गुरु कोल आके फिर दसो, तन की भुख वास्ते बाहर का वैद
ठीक करेगा, वह दसेगा जिहड़ी अंदर दी भुख है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम खुद मुख देवे, काटे जम की फंदा। ये वैद नूं दसो, इहदे कोल आके मंगो, सच्चे पातशाह कृपा करो। धीआं पुत्तां लई मंगिया ना, हुण तक बड़ा मंगिया, कौन नहीं मंगता, किन्ने नहीं मंगिया, आपां सारे मंगदे ना। ये पास हो जाए, पढ़ जाए, इहदा विआह हो जाए, इहदे न्याणे हो जाण, इहदी नौकरी मंगिया ना। ते आपां सारे विचारीए भला वी धीआं पुत्तां लई किदण मंगिया, सच्चे पातशाह कृपा करिओ मेरी धी नूं जपजी साहिब कंठ हो जाए। मंगिया कदी, महाराज कृपा करियो मेरी धी नूं गुरबाणी का कीर्तन करना आ जाए, कल नूं इन्हें सहुरे घर जाणा, इहनूं शब्द पढ़ने आउणा। महाराज जी मेहर करियो मेरी धी अमृत वेले जागण लग जाए। सच्चे पातशाह तेरे दर आके ये मंग मंगदे हैं कि मेरे पुत नूं सहज पाठ करना आ जाए। मंगिया कदी आपां? कदी नहीं मंगिया, कदी नहीं मंगिया। ये तो रोज़ अरदासा करदे आ, ते अरदासा कहदियां इहदा वीजा लग जाए, आ कच्चा है पक्का हो जाए, इहनूं नौकरी नहीं, इहनूं नौकरी मिले, आ सारियां अरदासां सुण लो ते खलो के भावें दस मिनट, आ जिन्नियां लैणां लगियां हुंदियां की अरदासां ही नहीं। ते जाए करटिया पिटिया वो पक्का शब्द की अरदास, सुख शांति जी। सुख शांति कहण नाल नहीं आउणी, सुख आउणा है सुखां दे दाते नूं जपिया, सुखां दे दाते नाल सांझ पाया। चेते करना सुख है, विछड़ जाना उन्हों विसार देना दुख है। आए भुख ते आके मंगना ही, सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो, मैनू भुख लगी, अज तो मंगियो ए, मैं राज जा छड़ियो, इनू मंगियो रोज रोज मंगियो। जदों तक अवस्था नहीं ना बनती, इस तरह की भुख नहीं लगती, उदों तक मंगियो कि सच्चे पातशाह मेहर करो, सच नाम की लागे भूख। महाराज मैनू हुण कुछ नहीं चाहिदा, आ ते कोलू दे बैलर का काम है, ज्यों तुरे आ किते पहुंचे मंजिल ते, अज तक मुकिया ही नहीं। पंज सत साल तो लगे ही थे खलो के मंगण, सत्तर सत्तर साल दे हो गए, अजे भी उत्थे कहानी, ये ते मुकना ही नहीं है। चाली पंजाह साल तक परिवार लई, धीआं पुत्तां लई, ते उस तो बाद अगे पोतरे पोतरियां, दोते दोतरियां, उस तो अगे फिर यू टर्न मार लईदा, फिर अपने लिए। अखां तो दीदा नहीं, कन्नां तो सुनदा नहीं, गोडे गिटे दुखदे ने, फिर अपने लिए मंगना शुरू करता, ते जिहड़ा असली मंगना ही उते रही गया। आ मंगना सच्चे पातशाह भुख दे, ते जिदण आ भुख लग गई ना, ते उदण की होएगा, जल मैं अगन उठी अधकाए। जिदण आ भुख लग गई, तीबर भुख लगी कड़ाके दी, जदों लगी भुख ते बह के पढ़ोगे ना जपजी साहिब दा पाठ, ते तुहाडा ध्यान घड़ी वल नहीं होएगा, उदों ध्यान फोन वल नहीं होएगा कि कदों सलोक पढ़ा ते भाजा नहीं। उदों जिवें पढ़ोगे ना सलोक, ते फिर जी करेगा भी नहीं बड़ा स्वाद आया, एक होर पढ़ ला, एक होर कर ला, फिर एक होर शुरू हो जाएगा। एक होर करके दो हो गए, एक नाल एक दी प्यास वधी, दो हो गए ते प्यास डबल हो गई, भुख डबल हो गई, फिर जी करेगा होर करा होर करा, कर दिया कर दिया, फिर वो अवस्था बनती। एक खिन पल विसरे तू स्वामी, जान बरस पचासा। ते फिर कर दिया कर दिया, पता की अरदास करदा, बाणी पढ़ो तो समझ आउंदी, वो अरदास करदा, महाराज तू मैनू अखा दो दितियां तेरा शुक्र, नक एक दिता तेरा शुक्र, नासा दो तेरा शुक्र, दो हाथ दो पैर एक जुबान, इन्ना कुछ दिता ना। सच्चे पातशाह मेरी एक तेरे चरणा च बेनती है, बाकी सारा कुछ ठीक, पर मेरी जुबान एक तू दिती है, एक नहीं चाहिदी मैनू, एक नहीं चाहिदी। वैसे तो यह भी है एक, इनू सामभ के ना वरत्या जाए तो एक दे ही पवाले ने घर घर च, जिन्हें हर घर के महाभारत बनी पई है ना, ना तो पैसे की कोई गल, ना कोई लीड़े कपड़े का रौला, ना कोई रोटी टुक का रौला, ये जिन्नी कले कलेष है ना जबान की है हर घर, चाहे वह दस जी ने, तो दसा चो एक दी चलती हो जबान, वह नौवां नूं सुकणे पा छड़दा, ये कला जबान दी है, और कुछ भी नहीं।
ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਕਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਧਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਾਖ ਜਿਹਬਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੁੱਖ ਹਰ ਅਰਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ? ਏਕ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਏਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵਧਾਈ ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧਾਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਤਾ ਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੇ। ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਪਣ ਦੀ, ਇਹ ਜਪੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਪੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਹੋਰ ਜਪੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਜਪਿਆ, ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਘਟੇ ਨਾ ਜਪਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਅੱਕੇ, ਫਿਰ ਜਪਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਦੇਗ ਚੁੱਭਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਸਰਹੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਹ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਧਿਕਾਏ ਰਹਾਓ, ਇਰਾਵ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ ਹੋ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨ, ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ, ਜਲ ਨਿਧ, ਨਿਧ ਕਹੀਏ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮੁੰਦਰ। ਤੂੰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਲ ਕਾ ਮੀਨ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ। ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏਗੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਛੀ, ਜਲ ਮੈਂ ਰਹੋ ਜਲਹ ਬਿਨ ਖੀਨ, ਜੇ ਤੇ ਰਵਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਜਲਹ ਬਿਨ ਖੀਨ ਕਹੀਏ ਛੀਣ, ਮਨ ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਵਿਸਰੈ ਪਾਣੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ?
लाल किला वेखे दिल्ली का, आखे कि नहीं, तो तुम आखो भी आ तेन दिखा के लिया वा, तो आखे कि मैं पानी तो माड़ा जहा बहर आई, मैं तो मर जाना, पानी तो विछड़ना विछोड़ा थोड़ी है, पानी तो विछड़ना तो मेरी मौत है। तुसी उन्हों आखो तेनू हीरिया च रखते हैं, तेनू मोतिया च रखते हैं, तेनू सोने के भांडे च रखते हैं, तो आखिया कि हीरे मोती नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैनू भावें मैला होवे मिट्टी होवे, मैनू पानी चाहिए, क्योंकि पानी उहदा आधार है। पानी चो बाहर कढ़ो मर जाएगी, मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरे पानी, उहदा जमना मरना है ही पानी च। जल मैं रहो जल बिन खीन, पानी तो बिना जिम्मे मच्छी मरती है इवें मैं मरदा होंदा अपने ना, इदा कदी लगती है तड़फ भी रह रस का वेला निकल गया, तो रह रस ते पड़ी नहीं अज। हूँ जिन्हें इस वेले उठे हो गए भी 8 बज गए 9 बज गए 10 बज गए, कई ने एतवार देखो कई खिच होंगी अज एतवार आप गुरुद्वारे चलीए, तो कई अज ये होंगे भी अज ही तो समा मिले रज के सौ लीए, वो सुते नहीं उठे होने, तो जे लगी हो तड़फ खिच प्यास तो फिर भजे ना। हूँ तू पिंजर हो सुवटा तोर, मैं की है सुवटा तोता, मैं निर्बल निका जिहा कमजोर तोता है, तो साहब जी तू की है, तू है मेरा पिंजर पिंजरा, पिंजरे दे विच मैं तोता है। हुण पिंजरा तोते दी दूसरा पक्ष वेखो तो कैद है, एक पास पक्ष वेखो तो उहदा आधार है, उहदी सेफ्टी है। तोता बचे पिंजरे करके है, क्यों बचिया, जम मंजार कहां करे मोर, जे पिंजरे च ना हुंदा उदा बैठा हुंदा ते बिल्ला आउंदा ते बिल्ला उहनूं फड़ के खा ना जांदा। जम मंजार मंजार माने बिल्ला। हुण मैं आ निक्का जिहा तेरा कमजोर जिहा तोता, मैं आ तेरी शरण विच, ते जम मंजार ये जम रूप बिल्ला हुण मैनू की कर सकदा, हुण बिल्ला पिंजरे च थोड़ी वड़ के कोई लै जाएगा, जम रूप बिल्ला मेरा की बिगाड़ सकदा, भाव कि तेरी शरण विच ते जमा दा भी डर नहीं रहिंदा, मौत दा भी डर नहीं रहिंदा। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, जिहड़ा निरभौ नूं जपदा ना, जे किसे नूं भी डर लगदा ना, कईआं नूं डर किस तों लगदा, कईआं नूं ओह फोबिया बन जांदा तो डर लगदा तो डर लगदा, ते जिहनूं भी डर लगदा ना उहदा इक्को इलाज है, उहनूं जपो, जिहदे जपण नाल सारे डर मिट जाण, उहनूं जपो जिहड़ा किसे तों डरदा ही नहीं। रोज पढ़ते हैं ना निरभौ निरवैर ते निरभौ, जिन्हों कोई डर नहीं। इस दर ते बैठे ना महाराज, इस स्थान ते गुरु हर कृष्ण साहब, ते देश दा चक्रवर्ती बादशाह कौन है, औरंगजेब, तरले लैंदा मर गया सच्चे पातशाह दे दर्शन करने ने, ते जे ते डर कोई होर हुंदा डरदा ते उह आंदा जी तुहानूं आउण दी की लोड़ है, मैं ही आ जाना उत्ते, जे कोई डरदा हुंदा ते सच्चे पातशाह जी ने कहा ना 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 असीं उत्ते आउणा है, ना वो साढ़े को आवे, नहीं मलेश को दर्शन दे है, नहीं है डर कोई। उहनूं जपो जिहदे अंदर कोई डर नहीं, तो जिहदे जिहड़ा आप नहीं डरदा उहदे नाल जुड़ोगे तो फिर डर मिट जाणगे, डर खत्म हो जाणगे। तो जे सतगुरु मैं तेरी शरण विच होवां, तो जिवें तोता पिंजरे च होवे तो उहनूं बिल्ला नहीं खा सकदा, तेरी शरण च होवां ते जम मेरा की कर लेगा, तू तरवर हो पंखी आहे तरवर कई रुख, मेरे लिए सतगुरु तू ही मेरा आसरा है, जिवें एक पंछी का आसरा हुंदा है रुख, रुख जे कोई पुछे ना रुख की हुंदा है, चलो आपां नूं पता ही है, छोटा बच्चा पुछ ले भी रुख किहनूं कहिंदे आ, ते सानूं इह कहिणा पएगा जाण वाले समय च कहना पएगा कि रुख ओ शायद ना है जिहदे असीं रज के वैरी बने बैठे, जिहड़े आपां किते रहण ही नहीं दिते,
ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਢਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਦੋ ਮੰਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਚੱਜਦੀ ਰਹਿਣ ਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਜਦਾ ਰਹਿਣ ਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਆ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਟਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਪਟਾਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾਓ ਪਟਾਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਰੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਵਾ ਰੁੱਖ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਦਰਖਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਨਾਓ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਓ ਰੁੱਖ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੁੱਕ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੋ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ ਤਰਵਰ ਹੋ ਪੰਖੀ ਆਹੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਰਵਰ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੰਖੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹਉ ਨੌ ਤਨ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌ ਤਨ
ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਵ ਤਨ, ਨਵ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਜੇ ਅੱਲੜ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਨਵ ਤਨ ਚੇਲਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਚੇਲਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਵਸਰ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਆ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੇ ਔਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਜਪਣ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਵਧੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਮਾਧੋ, ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।